कार्तिक पूर्णिमा के दिन हिंदू समुदाय के लोगों ने नदी में आस्था की डुबकी लगाई है। तो वही मुरादाबाद की नगर पंचायत अगुआनपुर में भी रामगंगा नदी पर पहुंचकर आसपास के श्रद्धालुओं ने रामगंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। तो वही नदी के किनारे मेले का आयोजन किया गया। गंगा स्नान मेले के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। मुरादाबाद सीओ सिविल लाइन्स ने मीडिया के पूछने पर बताया कि गंगा स्नान का पर्व शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है। हमारी तरफ से एक बटालियन पीएसयू के जवानों को लगाई गई है और अगुआनपुर चौकी इंचार्ज के साथ 4 सब इंस्पेक्टर 10 कांस्टेबल व महिला कांस्टेबल मुस्तैद हैं। रामगंगा नदी में पानी कम होने के बावजूद भी हमने गोताखोरों की व्यवस्था की गई है। गंगा स्नान मेले में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। मेले के दौरान भारतीय जनता पार्टी के युवा वरिष्ठ नेता अगुआनपुर के चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी अंशुल गुप्ता निगरानी में मौजूद रहे। मीडिया के पूछने पर अंशुल गुप्ता ने कहा, क्या कुछ कहा सुनिए। श्री आदर्श रामलीला कमेटी अगुआनपुर के द्वारा गंगा मेले का आयोजन परम्परागत किया जाता रहा है। इस वर्ष भी परम्पराओं को निभाते हुए श्री आदर्श रामलीला कमेटी अगुआनपुर के द्वारा मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रामलीला कमेटी की तरफ से सारी सुविधाएं, जैसे महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए कैंप और घाटों पे गोताखोर और श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी वितरण, ये सब सुविधाएं रामलीला कमेटी अगुआनपुर की ओर से दी जा रही है। जैसे अगुआनपुर के भावी प्रत्याशी हैं, अगर आपको चेयरमैन बनाया गया तो आने वाले टाइम के लिए क्या व्यवस्था है? देखो, कहीं ना कहीं धार्मिक तो हम हैं ही, इसमें कोई दो राय है नहीं, और हर आदमी अपने धर्म के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है। जैसे माननीय मोदी जी को देखेंगे आप, जब से वो देश की बागडोर उनके हाथ में आई है तो उन्होंने धर्म के लिए, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर रहा हो, चाहे अयोध्या मंदिर रहा हो, ऐसे ही हम भी चाहेंगे कि हम यहाँ घाट पर या मंदिरों के लिए या हमारे अगुआनपुर में मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए और शमशानों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से लाभ पहुँचवाएँ, पूरी बस्ती को, पूरे समाज को, पूरे अगुआनपुर को लाभ हो, कोशिश करेंगे। यहाँ पर गंगा स्नान का पर्व है। अगुआनपुर और आसपास के क्षेत्र के काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। हम लोगों ने पुलिस की भी व्यवस्था कर रखी है, ड्यूटी लगा रखी है, साथ ही साथ हालांकि पानी रामगंगा में काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एहतियातन वहाँ गोताखोर भी लगा रखे हैं और पुलिस प्रबंधन ने कर रखा है। कितना पुलिस बल तैनात है यहाँ पर? एक प्लाटून हमारी पीएसी का बल लगा हुआ है और देख रेख चौकी चार्ज के साथ हमारे 4 सदस्य हैं और 10 वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।